संतान प्राप्ति हेतु अंजना ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की और स्वयं महादेव ने एक भिक्षुक के रूप में अंजना की भक्ति की परीक्षा भी ली, जिसके उपरांत महादेव ने उनकी भक्ति से प्रभावित होकर वायु देव द्वारा अपने अंश को अंजना तक पहुंचाया। गर्भ धारण करते ही अंजना के भीतर एक असाधारण शक्ति का विकास होने लगा। महाबली हनुमान ने अपनी लीला गर्भ काल में ही आरंभ कर दी थी। जन्म से पहले ही सभी देवी देवता और सप्तऋषिगण उनकी रक्षा हेतु उपस्थित होने लगे। सभी देवियां अंजना की गोद भराई के लिए भी स्वयं उपस्थित हुईं, परंतु अंजना की खुशियों को दुष्ट वाली की दृष्टि लग चुकी थी, जिसने अजन्मे हनुमान को गर्भ में ही मारने की ठान ली थी और इसलिए उसने अंजना को विष से भरी खीर दी। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ जब अंजना ने विष का सेवन किया। अंजने, ये अचानक क्या हो गया प्रिय? स्थिति सामान्य नहीं है राजन, महारानी को तत्काल उपचार की आवश्यकता है। हमें तुरंत ही नगर की ओर लौटना चाहिए। गर्भस्थ शिशु की हत्या करना महापाप है। ये दीर्घ काल तक नरक की यातना का भागी बनाता है। दुष्ट बाली हनुमान लला की हत्या को अपनी ओर से सुनिश्चित कर चुका था। महाराज, महारानी जी को विष दिया गया। क्या हुआ नाथ? फिर जो हुआ उसकी अपेक्षा किसी ने ना की थी। जाओ, कोई शीघ्र ही राजवैद्य को बुला कर लाओ। भी उपचार काम नहीं कर रहा, न जाने क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता मेरी अंजना और मेरे पुत्र को। तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? चवर डुलाओ महारानी को। जरा देखिए शरीर पर कहीं दंश का कोई चिन्ह तो नहीं? जी महाराज। नहीं महाराज, कोई भी चिन्ह नहीं है। अर्थात ये किसी सर्वृषक या लूता का विष नहीं है। महाराज, जिस वेग से महारानी जी मूर्छित हुई है उसे देखकर लगता है ये कोई स्थावर विष नहीं है। तो फिर? निश्चित ही ये कोई मिश्रित धातु से बना कृत्रिम विष है। जब तक विष की प्रवृत्ति निश्चित नहीं हो जाती तब तक वमन की औषधि भी निश्चित नहीं की जा सकती। और जाइए, जाकर देखिए राजवैद्य क्यों नहीं आया अभी तक।
राजन। देना होगा। मैं एक ऐसा धूम जानता हूं जो हर प्रकार के विष में दिया जा सकता है। मैं बताता हूं, हल्दी, मधु, घी, सेंधा नमक, पुराना गुड़, शीघ्र धूम तैयार किया जाए। महाराज, यदि इस धूम से भी कुछ लाभ ना हुआ तो हमें बलपूर्वक महारानी जी को बमन कराना होगा। मैं जाकर औषधियों का प्रबंध करके आती हूँ। जाओ, शीघ्रता करो। जी महाराज। परीक्षा में सफल हुई पुत्री अंजना, तुम्हारा होने वाला पुत्र समस्त संसार में अपने बल और पराक्रम के कारण विख्यात होगा, परम भक्त होगा। नन्ही अखियों में चमकेंगे सूरज, चमकेगा और चंदा, अग्नि सा तेज मुख पे रहेगा, खिलेगा गोदी में जब अंजने। आंखें खोलो अंजने, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी प्रिय। और हमारा पुत्र? उसे भी कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम मुझे सुन तो पा रही हो ना अंजने? आंखें खोलो अंजने। अच्छा अच्छा, ये बताओ हमारा होने वाला पुत्र कैसा होगा प्रिय? तब पुत्रो जितेंद्रियो भविष्यति। मेरा पुत्र सब इंद्रियों को जीतने वाला होगा। राक्षसी आचरण मिटाने वाला होगा मेरा पुत्र। वेदों का विद्वान होगा मेरा लाल। अंजने, अंजने, thank you।
मैं वामन की औषधियाँ ले आई। शीघ्र लाओ। किंतु महाराज, इन औषधियों से महारानी का उपचार हो पाएगा या नहीं, ये निश्चित नहीं है। आप स्वयं जाकर राजवैद्य को बुला लाएंगे तो अच्छा होगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, तब तक मैं महारानी जी का ध्यान रखती हूँ। शक्तिमान अलग कैसे रह सकते हैं? आप यहां आई इसलिए मुझे आना ही पड़ा। जगत प्रसिद्ध है कि सारे जीव आपकी सेवा करते हैं और आप अपने समस्त ऐश्वर्य से केवल मेरी सेवा करती हैं। किंतु आज तो आपने एक परिचारिका की भांति सेवा करते हुए सारी रात बिता दी, ये क्या रहस्य है देवी? आपके लिए क्या रहस्य है जगदीश्वर? अंजना और उसके अजन्मे पुत्र की रक्षा करना तो मेरा परम धर्म है। निश्चिंत हो जाइए भगवती, आपकी कृपा से अंजना के शिशु पर आई विपत्ति उसके लिए वरदान बन जाएगी।
आगे भी आने वाली बाधाएं आपके आशीर्वाद से आपके प्रिय अंजने के लिए सफलता का द्वार बन जाएंगे। अंजना और उसके पुत्र की रक्षा करना आपका परम धर्म है। जो मेरे स्वामी के संकट हरने के लिए जन्म ले रहा है उसके संकट हरने का धर्म मेरा ही तो है। उस रात सुमेरु पर्वत पर अंजना की परिचर्या करते हुए मैं अपने स्वामी की ही सेवा कर रही थी और पद्म हस्ता देवी लक्ष्मी की इस कृपा के उपरांत वो शुभ घड़ी निकट आ पहुंची जिसके लिए समस्त देवता प्रतीक्षा कर रहे थे। अंजना प्रभु महादेव चकित ना हो अंजना, ये तुम्हारा ही पुत्र है। यह वही पुत्र है जिसके जन्म के हेतु तुम्हें देवलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। यह वही पुत्र है जिसके जन्म की प्रतीक्षा में तुमने दीर्घकाल तक निसंतान रहने का दुख सहन किया। यह वही पुत्र है जिसे पाने के लिए तुमने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। यह वही पुत्र है अंजना जो कमल नयन भगवान विष्णु के नर अवतार में परम सहयोगी बनने के लिए जन्म ले रहा है। तुम्हारे इस पुत्र के कारण युगो युगों तक तीनों लोगों वानराज केसरी और तुम्हारा यशगान होगा। इस पुत्र के माध्यम से मैं स्वयं अपना तेज तुम्हें सौंप रहा हूं। ये लो, संभालो अपना पुत्र। यशस्वी भव। महादेव भोलेनाथ, क्या हुआ अंजने, तुम ठीक तो हो? महादेव आए थे, मेरी गोद में दिया उसे स्वयं अपने हाथों से। किसे? हमारे पुत्र को। इसका अर्थ जो स्वप्न हमने साथ मिलकर देखा था वो सत्य होने वाला है प्रिय। हमारे पुत्र के जन्म की शुभ घड़ी आ गई है। Thank you.
चैत्र शुक्ल पूर्णमासी, मघा नक्षत्र, मंगलवार, संकट मोचन महाबली हनुमान का मंगलकारी जन्म हुआ। अंजने, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक तो हो ना अंजने? ये कैसा अंजने? मुझे कुछ नहीं हुआ। किंतु ये कैसा अद्भुत प्रकाश है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रिय। ये हमारे पुत्र का तेज है। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे भक्त वत्सल त्रिनेत्रधारी, हमारा पुत्र आपके ही तेज से जन्मा है और इसका प्रमाण हमें मिल चुका है। किंतु यदि हमारा लाल इस परम तेजस्वी अवस्था में निरंतर रहेगा तो हम इसकी लीलाओं का सुख पाना तो दूर, इसे देख भी नहीं पाएंगे। हे कृपा निधि, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि इसका तेज भी बना रहे और हम संसारी जीव इसके दर्शन भी कर सके। Oh,
वर्षों की कठिन तपस्या और उससे भी अधिक वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात उन्हें पुत्र मिला था। केसरी और अंजना के लिए सब कुछ जैसे स्वप्न था, वो मधुर स्वप्न जो उन दोनों ने मिलकर देखा था और साकार होकर उनके सामने आ गया था। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। महादेव का तेज विशेष प्रगट भयाले वानर वेश, आया करने लंक दहन वो अगन रूप हो नहीं सहन। करेगा खेल में सूर ग्रहण प्रगटा जग में कापीन पहन, सुन के सर के करुण पुकार हनुमत खींचे सब तेज अपार। लोकों से अद्भुत तेज ढला दर से सब ही हनुमान लला, हर्षे सब ही आनंद मेला दर से सब ही हनुमान लला। उनके उस अपार आनंद का सारा श्रेय तो दीदी आपको ही जाता है। बाली तो हनुमान लला के हत्या के षड्यंत्र में सफल ही हो गया था और उस घातक विष से अंजना का बचना भी असंभव था। यदि आपने वैकुंठ से आकर उन दोनों की रक्षा न की होती तो केसरी और अंजना यह पुत्र सुख कभी न ले पाते और समस्त संसार संकट मोचन महाबली हनुमान जैसे भक्त और योद्धा से वंचित हो जाता। देवों की, मनुष्यों की, संतों की और पृथ्वी की कितनी बड़ी हानि हो जाती। आपको सच सच धन्यवाद है भगवती। मेरा पुत्र, मेरा अपना पुत्र, हमारा पुत्र, हम दोनों का पुत्र। तुम इतने प्यारे क्यों हो? कितना सुंदर है ये, कितना प्यारा। मैंने इतना सुंदर शिशु आज तक नहीं देखा। सभी माता पिता को ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं, सच अंजने, देखो इसमें कुछ विशिष्ट बात है। कितना अद्भुत है ये, कितना सुंदर, कितना प्यारा। क्या तुमने कभी देखा है इतना सुंदर शिशु? नहीं देखा। तुम बहुत ही असाधारण हो, किंतु मैं ऐसे किसे किसे कहकर क्यों पुकार रहा हूं? हमें अपने पुत्र को कोई नाम देना चाहिए। किंतु परंपरा के अनुसार नाम तो नामकरण के समय ही रखा जाएगा। हाँ, किंतु नामकरण के पूर्व
एक गुप्त नाम रखने की भी जो परंपरा है। तो क्या नाम रखें इसका? मैं बताऊं उनका क्या नाम रखा गया होगा? महातेजा, क्योंकि जन्म लेते ही उनके शरीर से निकला वो दिव्य तेज तीनों लोकों में फैल गया था। नहीं नहीं, उनका नाम रहा होगा महोदर, क्योंकि हनुमान के गर्भ में आते ही अंजना की भूख और भी अधिक बढ़ गई थी। मेरे विचार से तो ये दोनों ही नाम नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सब कुछ संभव हुआ महादेव के आशीर्वाद के कारण। फिर तो निश्चित ही हनुमान लाला का नाम शिवदत्त रखा गया होगा, या फिर रुद्रांश। वायुदेव के नाम पर भी तो उनका नाम हो सकता है, जैसे कि पवन पुत्र। नहीं नहीं, प्रथम नाम होगा, वो भी गुप्त नाम। जैसे हनुमान लला के नाम पर आप सब में वाद विवाद हो रहा है, वैसे ही केसरी और अंजना भी अपने नवजात शिशु के गुप्त नाम को लेकर वाद विवाद में फंस गए। अपने लंबे वैवाहिक जीवन में प्रथम बार। अरे तो फिर क्या नाम रखें अपने पुत्र का? इसके नाम से आपके बल, गुण और पराक्रम का पता चलना चाहिए। देखने में तो तुम्हारी तरह कोमल, सुंदर और सुखदाई है। इसका नाम तुम्हारे नाम पे आधारित होना चाहिए, शशिमुखे। कैसी बात कर रहे हैं आप? पुत्र होकर नाम में कोमलता? बात तो तुम ठीक कह रही हो। तो फिर इस केसरी नंदन का नाम तो आपके नाम से जुड़ा होना चाहिए, केसरी नंदन। ये नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, तुमने इस पुत्र की प्राप्ति के लिए 12 वर्ष कठिन तपस्या की है। तुम्हारे इस विकट तप से भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए और हमें यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इसका नाम तुम्हारे नाम पे ही आधारित होना चाहिए। जो पुत्र हमें अंजना की तपस्या के फल स्वरूप मिला है उसका नाम अंजने होना चाहिए। अंजने? नहीं नहीं नहीं। हाँ अंजने। अंजने में वो बात कहाँ? केसरी नंदन में आनंद आता है। अरे ये आनंद भी तो तुम्हारी तपस्या का परिणाम है। इसे हम अंजने ही पुकारेंगे। अंजने? नहीं, केसरी नंदन। केसरी नंदन नहीं, अंजने पुकारेंगे हम इसे। अंजने नहीं, केसरी नंदन। केसरी नंदन नहीं, अंजने पुकारेंगे हम इसे। केसरी नंदन? नहीं, अंजने होना चाहिए। अंजने नहीं, केसरी नंदन। अंजने? केसरी नंदन? केसरी नंदन? अंजने? केसरी नंदन? केसरी नंदन? इसे बार बार केसरी नंदन क्यों कह रहा हूँ? केसरी नंदन। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। हे नाथ, नारद जी वहां भी पहुंच गए? उन्हें तो दुष्ट बाली को अजन्मे हनुमान लाला के प्राण निकले जाया था। केसरी और अंजना के पास जाने के पीछे देवर्षि का क्या उद्देश्य था प्राणवल्लभ? क्या कोई और षड्यंत्र होने वाला था? प्रणाम देवर्षि। आसन ग्रहण कीजिए मुनिवर। अरे आप कष्ट मत करिए माते, हम आपको कष्ट देने नहीं, हम तो आपके और आपके इस दिव्य पुत्र के दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे पास आओगे?
काल करम गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम्ही त्याप ही काऊ। आपके इस चितेंद्रिय पुत्र पर कभी भी शीत, ताप या वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं होगा। आपके पुत्र के किसी कर्म पर कर्म फल का दोष नहीं लगेगा। प्रकृति के निरंतर बदलने वाले जो तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, उनके कारण समस्त जीव सुख, दुख और मोह के सागर में डूबते उतराते रहते हैं, किंतु तुम्हारा यह पुत्र सदैव आनंद में मग्न रहेगा और कभी भी दुख से पीड़ित नहीं होगा, मोह से बुद्धिहीन नहीं होगा। और यह पराक्रमी बालक सदैव स्वस्थ रहेगा। सर्व माया विभंजक अर्थात सारी मायाओं को तोड़ने वाला, ऐसा मनोहर नाम है, सर्व माया विभंजक। मेरे एक नाम को सुनकर आप दोनों घबराइए मत, आपके पुत्र के तो अनेक नाम होने वाले हैं। हाँ, प्रथम गुप्त नाम रखने का जो अधिकार था उसका उपयोग तो आपने कर ही लिया। किंतु महामुनि, हम तो अभी तक एक नाम पर ही एकमत नहीं हो पाए। मैं जानता हूँ वानर राज, किंतु आपके ये दोनों नाम बालक के कानों में इतनी बार गए कि वे दोनों ही उसने स्वीकार कर लिए। क्यों केसरी नंदन? अंजने, समस्या केवल एक है, आपके ये दोनों नाम गुप्त नहीं रहे। जहां नारद की उपस्थिति हो वहां कोई भी बात गुप्त कैसे रह सकती है? भजमन नारायण नारायण हरे हर। तुम्हारे इस विलक्षण बालक के ज्ञान, भक्ति व पराक्रम के दोनों नाम सारे जगत में और युगो युगो तक केसरी और अंजना के नामों का बार बार उच्चारण करेंगे। श्री निज मन मुखोर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जोदायक पल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर, दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर।